जी व्यूज, आज की हमारी रेसिपी चिकन और वेजिटेबल का सूप बनाएंगे, तो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिन इंसारी और आप देख रहे हैं लाहौर फूड। आज हम चिकन वेजिटेबल सूप बनाएंगे, तो रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे जी एक बोनलेस मैंने ली है, जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगा। अगर आप बनाए तो अड्डी वाला मिल जाए तो वो भी डालिएगा, उसका भी जायका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैं अड्डी से बगैर तैयार करूँगा। तो छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया, जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया जी, और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा घी लिया, ये पिघला पिघला आकर मैंने डाला। तो चिकन डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्का सा फ्राई करूँगा मैं घी के अंदर, ताकि जिसकी इसकी एक अपनी हमक सी होती है मुर्गी की जो आती है, फिर वो सूप पिया नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा इसका। यहाँ पे याद रहे, कोई चीज़ इसके अंदर मैंने नहीं शामिल की घी के अंदर, मैं सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रहा हूँ। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो और इसकी जो हमक होती है, इसकी मुर्गी की कपनी होती है हमक, वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही मैं 3 इलायचियाँ मेरे पास, वो भी इसे घी के अंदर शामिल कर रहा हूँ, और इसमें कोई चीज़ मैंने शामिल नहीं की है, याद रखना आपने। और अच्छे तरीके से इसको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगा। और यहाँ पर अच्छे तरीके से ये हमारी फ्राई हो चुकी है घी के अंदर। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो एक्स्ट्रा घी है इसके अंदर, इसको मैं निकाल लूँगा, बस इसका इतने ही काम था। और इसमें कोई नमक वमक कोई चीज़ नहीं डाली गई, मैं आपको अक्सर बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। घी इसमें से सारा हमने फर्क कर देना बस। ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अंदर। जी इस तरीके का मुझे चाहिए। चूल्हे का फ्लेम दोबारा से मैं ऑन करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे इसमें मैं 1 किलो पानी शामिल करूँगा, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करूँगा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 किलो पानी के अंदर मेरे पास ये लहसुन है, देसी लहसुन है जो मैंने यहाँ पे छीला है, और अदरक के 2 पीस हैं मेरे पास, ये भी छील लिए शामिल करेंगे। और इसके अंदर कोई नमक वगैरह अभी भी शामिल मैं नहीं करूँगा। जैसे ही हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा, तो प्रेशर को मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बंद करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। कुछ मैंने घी के अंदर भी इसको गला लिया, कलर इसका चेंज हो चुका है चिकन का, देख सकते हैं आप, तो आराम से ये गल जाएगा। पानी यहाँ पे हमारा पकना शुरू हो चुका है, तो प्रेशर को बंद करूँगा मैं 12 से 15 मिनट के लिए तकरीबन बंद करूँगा। बारह मिनट मुझे यहाँ पे हो चुके हैं जी, तो गैस खारिज हो चुकी है, प्रेशर खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटी अच्छे तरीके से हमारी गल चुकी है। और यहाँ पे मैं तेज की रखूँगा, और इसमें सारी यखनी इसमें शामिल कर दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो चिकन है मेरे पास गरम गरम है इस वक्त, तो हाथ की मदद से इसको छोटे छोटे इस तरीके के साथ पीसेस में इसको हम कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस इसके करने हैं बिल्कुल। पानी हमारा यहाँ पे पकना शुरू हो चुका है, तो नमक इसमें बिल्कुल ब्राइन नाम डाल रहा हूँ मैं, ये नमक समझ लो बिल्कुल है ही नहीं तकरीबन, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहा हूँ, क्योंकि बाद में ऊपर ही डाला जाता है, जितना अपने ज़रूरत हो उतना डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साथ में मेरे पास ये गाजर है जो ब्रीक चॉप कर लिया मैंने, शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में फ्रेश मटर हैं, ये भी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शिमला मिर्च ये भी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे बंद गोभी वगैरह या सब्ज प्याज होता है लंबा वो इसमें शामिल नहीं कर रहा, और मक्के के दाने होते हैं वो भी मुझे पसंद नहीं शामिल कर रहा, आप इसमें कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। और ऊपर से मैं कर दूँगा बंद, इसको थोड़ा पकने देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं जी सब्जियाँ डाले हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब्जियों को चेक कर लेंगे, माशाल्लाह अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है गाजर भी। और इस मौके पे आके इसमें मैं कॉर्न फ्लावर शामिल करूँगा, कॉर्न स्टार भी कहा जाता है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं है, जिसको पानी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है उसको अल कर लिया है। और ये थोड़ा थोड़ा करके 2 मरतबा शामिल करूँगा इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो चैनल पे नए हैं देखने वाले उनको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपका जल्द जल्द पहुंच सके। बाकी का शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने सिर्फ 1 स्पून डाला है, सिर्फ 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं मैंने डाला कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो, लेकिन गाढ़ा इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी है इसके लिए। तो थोड़ा पकने देंगे, इसके बाद 2 अंडे मैंने लिए हैं जो मैंने फेंट लिए अंडों को, ये भी शामिल करूँगा मैं। और इस मौके पे आके इसमें जो ये मेरे पास मुर्गी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पकी हुई थी, तो हल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट के लिए मुर्गी डाल के, क्योंकि मुर्गी हमारी ऑलरेडी गली हुई थी, तो चला लिया चम्मच को मैंने। उसके बाद 2 अंडे हैं जो मैंने फेंटे हुए हैं, ये भी शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑलरेडी जी ये तैयार है हमारा सूप, तो चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे, डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे डिश आउट करेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है हमारा सूप, मौसम भी सूप का ही है। और यहाँ पे अपने जितना आप नमक पसंद करते हैं, ये मेरे पास नमक है ये शामिल कीजिएगा, ब्लैक पेपर है जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप डालेंगे। और उसके बाद सिरका, चिल्ली सॉस, सोया सॉस, चिल्ली सॉस ये ऊपर शामिल करेंगे, सोया सॉस डालेंगे जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप डालिएगा। उसके बाद चिल्ली सॉस, सिरका खटास के लिए और हाजमे के लिए, बिल्कुल हल्की सी ब्लैक पेपर, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया मैंने, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जी। एक क्लोज से मैं डिश आउट करके दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है आज की हमारी रेसिपी, क्योंकि सर्दी में ज़रूर पीना चाहिए सूप, वेजिटेबल सूप सब्ज़ी साथ काफ़ी अच्छी रहती है, छोटे बच्चे बड़े शौक से पीते हैं जी। व्यूज़ ये थी मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों अजीज़ों और फैमिली मेंबर के साथ। इसी तरह मिलेंगे किसी नई रेसिपी में, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। यासीन सारे को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।